keep watching Moleklaw TV. वेलकम टू द शो. मैं हूं आपका मेज़बान अदील मलिक इस प्रोग्राम में जिसका नाम है लीगल और पेश किया जाता है आपकी खिदमत में हर पीर की शब 8 से 9 बजे तक मलिक लॉ चैम्बर सलिस्टर्स के तावुन से मलिक लॉ टीवी पे. नाज़रीन, इस प्रोग्राम के 2 सेगमेंट होते हैं. प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैं देता हूँ आपको इमिग्रेशन लॉ के मतलब अपडेट्स और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मिस्टर अली देते हैं आपको आपके सवाल के जवाब. अगर आपके पास भी कोई सवाल है इमिग्रेशन लॉ के मतलब तो आप भी हमें लिख सकते हैं. हमारा ईमेल एड्रेस है info@maliklaw.tv और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालात आने वाले प्रोग्राम्स में शामिल करें. नाज़रीन, इसी के साथ आगाज़ करते हैं अपने पहले सेगमेंट का और शुरू करते हैं इमिग्रेशन अपडेट्स के साथ. अब नाज़रीन, इमिग्रेशन अपडेट जो है मेरे पास सबसे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ ये जो चेंज आई है अभी 1 जनवरी से. नाज़रीन, जिस तरह आप में से उन लोगों को के इलम में होगा जो इमिग्रेशन लॉ में इंटरेस्ट रखते हैं कि यूरोपीय यूनियन ज्वाइन किया था रोमानिया एंड बुल्गारिया ने 2007 में. उस वक्त इनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन थी कि ये यूके की जो लेबर मार्केट है उसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते थे और ये जो रिस्ट्रिक्शन थी 1 जनवरी 2014 से ख़त्म हो चुकी है. अब नाज़रीन, ये जो रिस्ट्रिक्शन थी तब अगर कोई नेशनल यहाँ पे बुल्गारिया या रोमानिया का होता था तो उसे नॉर्मली होम ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ती थी, उसके बाद ही उसे यहाँ पे काम करने की इजाज़त दी जाती थी होम ऑफिस की जानब से, अदरवाइज़ वो यहाँ पे काम नहीं कर सकते थे. अब नाज़रीन, 1 जनवरी 2014 से ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये ख़त्म हो चुकी है. इसका ये मतलब है कि अगर कोई बुल्गारिया और रोमानिया नेशनल है यूके के अंदर, अब वो काम कर सकते हैं यहाँ पे और अब उन्हें होम ऑफिस की परमिशन की ज़रूरत नहीं है. ये उसी तरह ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं जिस तरह बाकी ममालिक यूरोपीय यूनियन के एक्सरसाइज करते हैं. नाज़रीन, इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की जानब और ये जो अपडेट है नाज़रीन ये है होम ऑफिस की एप्लीकेशन फ़ी के हवाले से. अब नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताता रहता हूँ कि होम ऑफिस वाले जो हैं अपनी फ़ी और एप्लीकेशन फॉर्म चेंज करते रहते हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर. अब नाज़रीन, होम ऑफिस ने गुज़िश्ता ही कुछ अर्से में अनाउंस किया है कि जो फ़ी है वो इंक्रीज हो जाएगी 6 अप्रैल 2014 से. अब नाज़रीन, इस दफ़ा जो फ़ी है वो ज़्यादा होम ऑफिस वाले इंक्रीज करें. हम तकरीबन आप समझे तमाम कैटेगरीज में जो है फ़ी चेंज हो रही है और होम ऑफिस वालों ने अपनी वेबसाइट पे डिटेल इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी लिख दी हैं कि किस एप्लीकेशन फॉर्म में कितनी एप्लीकेबल फ़ी जो है इंक्रीज़ कर रहे हैं. और इसी तरह नाज़रीन, जब फ़ी होम ऑफिस वाले चेंज करते हैं तब उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म भी चेंज करने पड़ते हैं. नए एप्लीकेशन फॉर्म भी होम ऑफिस वाले ने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दिए हैं ज़्यादातर और कुछ कर देंगे इन ड्यू कोर्स. तो नाज़रीन, मेरी आपको यही एडवाइस है कि अगर आप इरादा रखते हैं एप्लीकेशन करने का या आपका कोई अजीज़ है किसी की है जिसने एप्लीकेशन करनी है तो मेक श्योर करें आप करेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें, होम ऑफिस के साथ करेक्ट वर्जन हो और करेक्ट फ़ी पे करें. अदरवाइज़ आपको या आपके अजीज़ को डिसअपॉइंटमेंट का सामना हो सकता है अगर होम ऑफिस वाले आपकी एप्लीकेशन इनवैलिड करके वापस भेज दें. अब नाज़रीन, ये जो एप्लीकेशन की वैलिडिटी का सवाल है नाज़रीन, 2 साल पहले 2012 की अक्टूबर के मंथ के अंदर होम ऑफिस ने इमिग्रेशन रूल अमेंड किए थे और उन्होंने वाजिया कर दिया था इमिग्रेशन रूल में कि अगर कोई एप्लीकेंट यूके के अंदर है और वो एप्लीकेशन करता है 28 डेज आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ हिज आर हर लीव, अगर विद इन 28 डेज कर लेता है और कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है कि क्यों उसकी एप्लीकेशन डिले हुई है तो होम ऑफिस वाले माइट भी उसकी एप्लीकेशन कंसिडर करें और डिसीजन करें. नाज़रीन, अगर कोई
एप्लीकेंट जो है वीज़ा एक्सपायर 28 डेज के अंदर एप्लीकेशन नहीं करता तो होम ऑफिस ओनली ऑन दिस बेसिस भी उसकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ करते कर सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एप्लीकेंट के पास वैलिड लीव टू रिमेन नहीं था और उसने जो एप्लीकेशन किया मोर देन 28 डेज आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ हिज़ा फिलहाल वीज़ा। नाज़रीन इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की जानिब और ये जो अपडेट है नाज़रीन ये है ट्यूबरक्लोसिस स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट के हवाले से। अब नाज़रीन टीबी स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट जो है अमूमन उन लोगों को हासिल करना पड़ता है जो यूके में आना चाहते हैं 6 मंथ या 6 मंथ से ज़्यादा रहने के इरादे से। अब नाज़रीन पहले ये होता था ये जो टीबी टेस्ट स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट होता था ये एयरपोर्ट पर ले लेते थे होम ऑफिस वाले, बट नाज़रीन दिन ब दिन होम ऑफिस वाले ज़्यादा कंट्रीज़ पर यह ऑब्लिगेशन कर रहे हैं कि अगर उनके नेशनल्स ने यूके में आना है और वो इरादा रखते हैं 6 मंथ या 6 मंथ से ज़्यादा स्टे रखने का यूके के अंदर तो उन्हें चाहिए कि वो पहले ही एप्लीकेशन करने से पहले ये जो सर्टिफिकेट है ये सबमिट करें एप्लीकेशन के साथ फिर ही उनकी एप्लीकेशन अप्रूव की जाएगी। अभी नाज़रीन रिसेंटली होम ऑफिस ने ज़्यादा कंट्रीज जो हैं अपनी लिस्ट के अंदर शामिल किए हैं जिन के नेशनल्स को टीबी स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा बिफोर वो एप्लीकेशन करते हैं और एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन उन्हें एप्लीकेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। अब नाज़रीन मैं आपको ये बताता चलूँ ये जो सर्टिफिकेट होता है अमूमन 6 मंथ का इसकी वैलिडिटी होती है और हासिल आप वहीं से करें जो होम ऑफिस के रिकग्नाइज बॉडीज़ हैं वो इशू करते हैं ये सर्टिफिकेट। और नाज़रीन अगर कोई एप्लीकेंट एप्लीकेशन करता है और एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन उसके पास वैलिड सर्टिफिकेट होता है और जब होम ऑफिस वाले या ब्रिटिश हाई कमीशन अब्रॉड उसकी एप्लीकेशन कंसीडर करते हैं और उसका सर्टिफिकेट रिफ्यूज़ हो जाता है तो एप्लीकेंट को घबराने की ज़रूरत नहीं है। होम ऑफिस वाले या अगर ब्रिटिश हाई कमीशन को अप टू डेट सर्टिफिकेट चाहिए होगा तो वो एप्लीकेंट को कॉन्टैक्ट करेंगे। एज़ फार एज़ एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन अगर किसी ने सर्टिफिकेट वैलिड सबमिट किया है तो वो काउंट होगा टू एज वैलिड सर्टिफिकेट। नाज़रीन इसी के साथ टाइम होता है एक छोटी से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के उस पर मज़ीद इमिग्रेशन अपडेट्स के साथ, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मलिक लॉ टीवी। थैंक यू। नाज़रीन वेलकम बैक टू द शो। वहीं से शुरू करते हैं इमिग्रेशन अपडेट्स का सिलसिला जहां पे हमने छोड़ा था ब्रेक से पहले और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इमिग्रेशन अपडेट की जानब। अब नाज़रीन ये जो अपडेट है ये है उन चेंजेस के हवाले से जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ ने किए हैं इमिग्रेशन रूल में अक्टूबर 2013 के मंथ में। अब नाज़रीन अक्टूबर में 2 दफ़ा इमिग्रेशन रूल अमेंड किए गए हैं, 2 दफ़ा चेंजेस इमिग्रेशन रूल्स में की गई हैं। अब नाज़रीन पहले जो सेट ऑफ चेंजेस थी वो इनफोर्स हो गई हैं 1 अक्टूबर 2013 से। अब नाज़रीन ये जो चेंजेस हैं ज़्यादातर पॉजिटिव चेंजेस हैं, जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट जो थी इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र वीज़े के ऊपर टीयर टू के वो होम ऑफिस ने ख़त्म कर दी है। इसका ये मतलब है कि अगर कोई यहाँ पे आना चाहता है टीयर टू इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र वीज़े के ऊपर तो अब उसे इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरह नाज़रीन रूल्स बनाए गए हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इस रूल में की गई है ताकि उन लोगों के लिए आसानी हो जो यहाँ पे ग्रेजुएट्स हैं और जो स्विच करना चाहते हैं टीयर टू वीज़े के ऊपर। अब नाज़रीन जो लोग इमिग्रेशन लॉ से अप टू डेट रहते हैं उन्हें पता होगा कि ग्रेजुएट्स के लिए पहले एक PSW वीज़ा था जो अबॉलिश कर दिया गया था होम ऑफिस की जानब से, उससे पहले Tier 1 जनरल था वो भी ख़त्म कर दिया गया था। तो इसीलिए इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए होम ऑफिस ने जो है प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए हैं ताकि ग्रेजुएट्स जो यहाँ पे रहना चाहते हैं वो Tier 2 वीज़े के ऊपर स्विच
कर सकें अगर वो यहाँ पे उन्हें कोई ऐसा एम्प्लॉयर जॉब देता है जिसके पास होम ऑफिस की जानब से लाइसेंस है। नाज़रीन इसी तरह अगर कोई यहाँ पे स्टूडेंट है और वो कोई इंटर्नशिप करना चाहता है तो वो कर सकता है। होम ऑफिस ने प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए हैं अंडर टियर 5 कि अगर कोई यहाँ पे इंटर्नशिप करना चाहता है शॉर्टली कोई स्टूडेंट है तो वो माइट बी एबल टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर टियर 5। नाज़रीन इसी तरह पॉजिटिव चेंजेस आई हैं उन लोगों के लिए जो यूके में आना चाहते हैं या ऑलरेडी हैं एज अ विजिटर टूरिस्ट या एज अ बिजनेस विजिटर। अब नाज़रीन फ्लेक्सिबिलिटीज की गई हैं ताकि उन लोगों को जो यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए आते हैं या बिजनेस विजिटर हैं उन्हें भी अगर कोई शॉर्ट कोर्स अटेंड करना पड़े या कोई शॉर्ट कॉन्फ्रेंस या कोई शॉर्ट स्टडी कोर्स अटेंड करना पड़े तो वो माइट बी एबल टू कंटिन्यू विद दैट ऑन ऑन द सेम वीज़ा। इसी तरह नाज़रीन अगर कोई यहाँ पे बिजनेस विजिटर है उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं, रूल्स जो हैं वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल किए गए हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे वीज़े का फ़ायदा उठा सकें और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ अगर वो देखना चाहते हैं यहाँ पे उनको हासिल हों। नाज़रीन इसी तरह एक कैटेगरी थी परस्पेक्टिव स्टूडेंट वीज़े की, वो ख़त्म कर दी गई है होम ऑफिस की जानब से। नाज़रीन ये जो कैटेगरी थी उन लोगों के लिए होती थी जो यूके में आना चाहते थे पढ़ने के लिए और वो देखना चाहते थे कि वेदर यूके जो है सूटेबल प्लेस है उनके लिए कि नहीं। ये विजिटर वीज़े के अंडर आती थी और अमूमन जो वीज़ा मिलता था वो 6 मंथ का मिलता था। नाज़रीन ये जो वीज़ा था उन लोगों को भी इशू किया जाता था जो यूके में आना चाहते थे कोई शॉर्ट अगर कोर्स हो या कोई एग्ज़ाम बैठने के लिए। अब नाज़रीन होम ऑफिस ने जो है टूरिज़म और बिजनेस विजिटर की जो है कंडीशंस थोड़ी रिलैक्स की हैं इसलिए ये वाली जो कैटेगरी थी ये टोटली अबॉलिश हो चुकी है। नाज़रीन इसी तरह अगर हम अब देखें जो चेंजेस होम ऑफिस की जानिब से आई हैं 28 अक्टूबर से मेनली नाज़रीन उन लोगों को अफेक्ट करेंगी जो इरादा रखते हैं एप्लीकेशन करने का या तो नेचुरलाइजेशन की या फिर इनडेफिनेटली रिमेन की। अब नाज़रीन जहाँ तक इन दोनों एप्लीकेशंस का ताल्लुक था 28 अक्टूबर से पहले जिन्होंने एप्लीकेशन किया उन्हें लाइफ इन द यूके टेस्ट पास करना पड़ता था या फिर उसके इक्विवेलेंट इस साल की क्वालिफिकेशन उन्हें हासिल करनी पड़ती थी। नाज़रीन अब जो है क्राइटेरिया चेंज हो चुका है नॉलेज ऑफ लैंग्वेज और लाइफ इन द यूके का। इसका ये मतलब है कि अगर अब कोई एप्लीकेंट एप्लीकेशन करता है तो उसे लाइफ इन द यूके टेस्ट भी पास करना पड़ेगा उसके साथ साथ उसे ये भी शो करना पड़ेगा कि उसकी इंग्लिश लैंग्वेज जो है एक ख़ास लेवल की है और उसके लिए एप्लीकेंट को इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पास करना पड़ेगा। या अगर एप्लीकेंट के पास कोई ऐसी क्वालिफिकेशन है जो यूके से हासिल की गई है या अब्रॉड से हासिल की गई है जो इक्विवेलेंट समझी जाती है यूके बैचलर लेवल के तो वो एप्लीकेंट जो है वो डिग्री क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट यूज़ कर सकता है, उसे इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पास करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह नाज़रीन अगर कोई एप्लीकेंट यहाँ पे है और वो मेजॉरिटी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से उसका ताल्लुक है उसका नेशनल है तो उसे भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पास करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह नाज़रीन अगर कोई यहाँ पे ड्यू टू मेंटल और मेडिकल रीज़न पर इन में से कोई टेस्ट पास नहीं कर सकता तो वो भी एग्जेम्प्ट होते हैं, उन्हें मेडिकल एविडेंस एप्लीकेशन के साथ सबमिट करना पड़ेगा और होम ऑफिस वाले उनको एग्जेम्पशन दे देंगे इन दोनों टेस्ट से इस पूरी रिक्वायरमेंट से। नाज़रीन इसी तरह अगर हम बढ़ें अब उन चेंजेस के हवाले से जो होम ऑफिस ने इन्फोर्स कर दी गई हैं 1 दिसंबर 2013 से। अब नाज़रीन जो 1 दिसंबर से आई हैं चेंजेस, एक तो होम ऑफिस ने एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं कुछ नए इंट्रोड्यूस किए हैं और इसी तरह नाज़रीन जो चेंजेस हैं मेनली उन लोगों को अफेक्ट करेंगी जो यहाँ पे आर्म फोर्सेस के अंदर काम कर रहे हैं और अपने डिपेंडेंस को बनाना चाहते हैं यूनाइटेड किंगडम के अंदर। नाज़रीन इसी तरह होम ऑफिस ने एक नया सेपरेट फॉर्म भी इंट्रोड्यूस किया है FLR AF सिर्फ उन लोगों के लिए जो यहाँ पे आर्म फोर्सेस के अंदर हैं या अपने डिपेंडेंट्स के लिए लीव अप्लाई करना चाहते हैं।
नाजरीन इसी तरह जो चेंजेस आई हैं वो इस तरह हैं कि अगर कोई फर्ज करें आर्म फोर्सेस में काम करता है और अपने डिपेंडेंट को बुलाना चाहता है तो अब उसे फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। इसी तरह अगर वो इनडेफिनेट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई करते हैं या ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें नॉलेज ऑफ लैंग्वेज और लाइफ इन द यूके की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी। नाजरीन इसी के साथ टाइम होता है इस सेगमेंट का ख़त्म। ब्रेक के उस पार मिस्टर अली मिलेंगे आपको आपके सवालात के साथ। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मलिक लॉ टीवी। थैंक यू। मैं हूं इम्तियाज़ अली और लंदन से आपको सवाल जवाब के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। हस्बे मामूल आदिल मलिक ने इससे पहले आपको लीगल अपडेट्स दी हैं, उम्मीद है कि आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। मैं कोशिश करूंगा हमेशा की तरह कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालात को अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकूँ। और इस सिलसिले में सबसे पहले हम बात करते हैं असलम के साथ। असलम कहते हैं वो 2005 में यूके में आए थे, उस वक्त वो माइनर थे, उनकी उम्र 18 साल से कम थी और उन्होंने यहाँ के असाइलम क्लेम किया 2005 में आने के फौरन बाद। असलम मजीद कहते हैं कि उनके असाइलम की एप्लीकेशन उस वक्त होम ऑफिस ने रिफ्यूज़ कर दी थी, लेकिन चूंकि वो माइनर थे तो उनको डिस्क्रिशनरी लीव उन्होंने ग्रांट कर दी थी 2.5 ईयर्स की, 2.5 साल की उनको लीव मिली थी जो कि उनकी 18th बर्थडे यानी उनकी 18वीं बर्थडे तक वैलिड थी। तो होम ऑफिस ने उस वक्त उनको इसी ग्राउंड पर दी कि वो माइनर थे और उनको रिमूव नहीं किया जा सकता था, तो उनको तब तक उन्होंने लीव ग्रांट कर दी जब तक कि उनकी उम्र 18 साल हो जाती। तो असलम कह रहे हैं उन्होंने असाइलम की रिफ्यूज़ल के खिलाफ उस वक्त अपील नहीं की थी क्योंकि उस वक्त उनको इतना ज़्यादा पता नहीं था। तो भाई वो कहते हैं कि ये जब उनकी डिस्क्रिशनरी लीव ख़त्म होने के करीब थी तो ख़त्म होने से कोई एक महीना पहले उन्होंने किसी सलिस्टर के ज़रिए फर्दर एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था 2007 में। तो ये कहते हैं कि 2007 से उनकी अप्लीकेशन अभी तक पेंडिंग चली आ रही है और उसका किसी तरह का कोई डिसीजन नहीं हुआ है। तो वो ये पूछना चाहते हैं कि उनका इस वक्त क्या स्टेटस है और उनको अगर एक्सटेंशन मिलेगी तो वो कितनी मिलेगी और क्या उनकी एप्लीकेशन अब रिफ्यूज़ भी हो सकती है। तो असलम साहब, पहली बात तो ये है कि बड़े अफसोस की बात है कि आपकी एप्लीकेशन 2007 से पेंडिंग है और अभी तक उसका डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन ये मैं आपको यकीन दिला दूं कि आप इस मामले में अकेले नहीं हैं, ऐसे बेशुमार और लोग हैं और हमारे भी अपने ऐसे बहुत से क्लाइंट्स हैं जिनके केसेस बहुत अरसे से पेंडिंग है, बल्कि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जिनके केसेस 10 साल से ज़्यादा अरसे से पेंडिंग है और होम ऑफिस को डिसीजन नहीं कर सका है। तो ये बिल्कुल कोई अनयूजुअल बात नहीं है। तो अगर आपके केस में डिले हुई है तो इससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इससे यकीनी तौर पर आपका केस ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है क्योंकि ये होम ऑफिस की नाअहली है कि वो क्विक डिसीजन नहीं कर सके और इस अरसे के दौरान आपने अपनी लाइफ फर्दर इस्टेब्लिश कर लिया इन द यूके में। तो ये यकीनी तौर पे इसका तो एडवांटेज आप ही को मिलेगा, लेकिन जहाँ तक लीगल पोजीशन है तो वो यही है कि अगर आपको डिस्क्रिशनरी लीव मिली थी 2.5 साल की या जितने भी टाइम की और आपने वो लीव ख़त्म होने से पहले अगर आपने फर्दर एक्सटेंशन सबमिट कर दी थी और टोटल आपकी डिस्क्रिशनरी लीव को अगर 6 साल हो गए हैं तो आप बिल्कुल इंडेफिनिट लीव के लिए क्वालिफाई करते हैं और यकीनी तौर पर आपकी एप्लीकेशन अब रिफ्यूज़ नहीं होनी चाहिए, अगर के कोई इसमें कोई और ख़ास रीज़न ना हो, जैसे कोई कन्विक्शन वगैरह ना हो या किसी और ख़ास वजह से होम ऑफिस रिफ्यूज़ ना करे तो वैसे आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको भी और सब ऐसे नाज़रीन को यही मशवरा दूंगा कि जिन्होंने जिनको डिस्क्रिशनरी लीव मिली थी और उन्होंने फर्दर एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया और उनकी एप्लीकेशन पेंडिंग चली आ रही है पिछले 3-4-5 साल से या ज़्यादा अरसे से, और उनकी डिस्क्रिशनरी लीव को जो शुरू से लेके अब तक अगर 6 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया तो फ़ौरन उनको इस बारे में किसी सलिस्टर से मिलकर तो
फर्दर एडवाइस या अपने सोलिसिटर से एडवाइस लेनी चाहिए, और तो क्योंकि वो इनडेफिनेट लीव के लिए क्वालिफाई करते हैं और उनको इस तरीके से होम ऑफिस के साथ कम्युनिकेशन करनी चाहिए और अपना केस परस्यू करना चाहिए कि होम ऑफिस उनको इनडेफिनेट लीव ग्रांट करे, क्योंकि वो लोग क्वालिफाई करते हैं जैसे कि असलम साहब आप क्वालिफाई करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। असलम के बाद हम बात करते हैं मिस्टर गुप्ता के साथ। गुप्ता इंडियन सिटीजन हैं, वो कहते हैं कि वो 21 साल पहले यूके में आए थे और फिर यहाँ के वो ओवर स्टे हो गए थे, उस वक्त वो विजिटर के तौर पे यूके में आए थे। तो गुप्ता कहते हैं उन्होंने अपना स्टे रेगुलराइज कराने की बहुत कोशिशें की लेकिन हमेशा उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती रही। उन्होंने 14 ईयर्स पूरे करके यहाँ एप्लीकेशन डाली तो वो इस ग्राउंड पर रिफ्यूज़ हो गई थी कि उनका क्लॉक किसी स्टेज पर स्टॉप हो गया था, यानी उनकी एप्लीकेशन किसी स्टेज पर पहले रिफ्यूज़ हो गई थी और होम ऑफिस ने 14 ईयर्स के बाद उनको इस ग्राउंड पर स्टे नहीं दिया कि इन्होंने कंट्री पहले क्यों नहीं छोड़ा था। दोबारा वो ये कहते हैं कि अब 20 साल पूरा होने के बाद उन्होंने फिर इंडेफिनेट लीव के लिए अप्लाई किया लेकिन उन्होंने होम ऑफिस ने उनको इंडेफिनेट लीव की बजाय 30 मंथ्स की यानी 2.5 साल की लीव ग्रांट की है। तो ये पूछना चाहते हैं कि होम ऑफिस ने ऐसा क्यों किया है, 20 साल के बाद तो उनको इंडेफिनेट लीव मिल जानी चाहिए थी। और दूसरा उनका क्वेश्चन ये है कि वो ऐसा क्या तरीका है कि वो इंडेफिनेट लीव के लिए अप्लाई कर सकें या वो इस मैटर को किसी चैलेंज किसी कोर्ट में और ख़ासतौर पर हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकें, अगर कर सकें तो उसका प्रोसीजर गुप्ता साहब पूछना चाहते हैं। तो मिस्टर गुप्ता पहली बात तो ये है कि जहाँ तक आपके क्लॉक के स्टॉप होने का ताल्लुक है तो वो बिल्कुल एक टर्म है जो कि इमिग्रेशन कानून में इस्तेमाल की जाती है। उसका मतलब ये होता है कि जैसे 14 ईयर्स का एक कानून था कि अगर कोई साहब या साहिबा यूके में 14 ईयर्स लीगल या इलीगल पूरे कर लें तो वो लोग इस ग्राउंड पर इंडेफिनेट लीव के लिए अप्लाई कर सकते थे और अगर उनको उसमें उनको ये प्रूव करना होता था कि 14 ईयर्स से यूके में रह रहे हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन यही होती थी कि उनका क्लॉक स्टॉप ना हुआ हो। और क्लॉक स्टॉप होना का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी स्टेज पे आपकी को प्रीवियस एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई और आपको यूके छोड़ने के लिए कहा गया और आपने नहीं छोड़ा, तो जब आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई या आपको यूके छोड़ने के लिए कहा गया तो उस वक्त आपका क्लॉक स्टॉप हो गया, यानी उसके बाद का जो टाइम आपने यूके में गुजारा उसको अंडर कंसिड्रेशन नहीं लाया जाएगा। ये बेसिकली एक पॉलिसी और एक प्रोसीजर था, वो अब भी है। तो इसी वजह से आपकी प्रीवियस एप्लीकेशन जो आपने 14 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद सबमिट की थी वो रिफ्यूज़ हो गई थी, क्योंकि उससे पहले आपने कोई एप्लीकेशन डाली होगी जो कि रिफ्यूज़ हो गई होगी और होम ऑफिस ने आपको कंट्री छोड़ देने के लिए कहा होगा लेकिन ऑफकोर्स आपने कंट्री नहीं छोड़ा, तो उस वक्त आपका क्लॉक स्टॉप हो गया था और उसके बाद जितना टाइम आपने यूके में गुजारा 14 ईयर्स पूरे करने तक तो उस टाइम का फिर आपको एडवांटेज नहीं मिला। हाँ, अब जो करंट रूल है वो यही कहता है कि आप 20 ईयर्स पूरा होने के बाद अपना स्टे रेगुलराइज करने की एप्लीकेशन डाल सकते हैं, लेकिन 14 ईयर्स में 20 ईयर्स में आप बहुत सारा डिफरेंस आ गया है। पुराने रूल्स के हिसाब से आप 14 ईयर्स के बाद इंडेफिनेट लीव के लिए अप्लाई कर सकते थे अगर आप बाकी कंडीशन पूरी करते थे, लेकिन अब वो इंडेफिनेट लीव का मामला खत्म हो गया है। अब 14 ईयर्स के बाद आपको अगर आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल होती है और अगर होम ऑफिस आपके मामला से सेटिस्फाई होता है तो आपको वो लिमिटेड लीव ग्रांट करेंगे जो कि 2.5 साल की होती है, 30 मंथ्स की होती है। ये मैं आपके लिए भी गुप्ता साहब और बाकी सब नाज़रीन की इंफॉर्मेशन के लिए भी बताता चलूँ कि अब जो करंट लॉ है किसी भी ओवर स्टे के लिए उसमें ये बिल्कुल लॉ है कि किसी को भी इंडेफिनेट लीव उस वक्त तक नहीं मिलेगी जब तक आपके लीगल 10 साल कम से कम पूरे नहीं होंगे और 10 साल पूरे होने से पहले इंडेफिनेटली लीव मिलने का जो है वो कोई चांस नहीं होता है। तो इस तरह जिन लोगों को यहाँ 20 ईयर्स पूरे हो गए हैं उनके जहन में ये बात नहीं होनी चाहिए कि 20 ईयर्स पूरे होने के बाद वो इंडेफिनेट लीव के लिए अप्लाई करेंगे तो उनकी इंडेफिनेट लीव की एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। बल्कि 20 ईयर्स के बाद जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं इस ग्राउंड पर लॉन्ग रेजिडेंसी के ग्राउंड पर, तो अगर आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल होती है और होम ऑफिस आपकी एप्लीकेशन को अगर एक्सेप्ट करता है तो आपको बिल्कुल इंडेफिनेट लीव ग्रांट नहीं करेंगे, वो आपको 2.5 ईयर्स की लीव ग्रांट करेंगे, 2.5 साल की लीव जो कि एक्सटेंडेबल होती है। तो ये लीव आपकी 4 दफ़ा एक्सटेंड होगी और जब आपके यहाँ लीगल 10 साल पूरे हो जाएंगे तो 10 साल के बाद आप इंडेफिनेट लीव के लिए अप्लाई कर सकेंगे और आप इंडेफिनेट लीव के लिए क्वालिफाई कर सकेंगे। तो गुप्ता साहब आपका भी यही मामला है कि चूँकि आपको यहाँ लीगल 10 साल नहीं हुए हैं, आपको तो अभी लीव मिली है, तो जब आपके लीगल 10 साल पूरे हो जाएंगे तो आप इंडेफिनेट लीव के लिए क्वालिफाई करेंगे। इसका तरीका यही है कि अभी आपको 2.5 ईयर्स की लीव मिली है, ये लीव खत्म होने के बाद के पर आप फर्दर एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे जो कि आमतौर पर ग्रांट हो जाती है और इस तरह ये लीव आपकी एक्सटेंड होती रहेगी जब तक कि आपके यहाँ 10 साल पूरे हो जाते हैं और 10 साल के बाद आपको इंडेफिनेट लीव मिल जाएगी। तो फॉर अनफॉर्चुनेटली आप इस मामले को फर्दर चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास वैलिड लीव है इस वक्त, तो आपके पास अपील का राइट तो नहीं है। और अगर आप इस मैटर को जुडिशियल रिव्यू के जरिए चैलेंज करना चाहें हाई कोर्ट में अपर ट्रिब्यूनल में, तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ भी चांसेस जरा कम ही होंगे क्योंकि होम ऑफिस ने आपको लीव तो ग्रांट कर ही दी है और रूल की रिक्वायरमेंट यही है कि इंडेफिनेट लीव के लिए आपके कम से कम बीइंग इन ओवर स्टे आपके 10 साल कम से कम पूरे होने चाहिए जो कि अभी तक नहीं हुए हैं।
गुप्ता के बाद हम बात करते हैं बलदेव के साथ। बलदेव कहते हैं कि 2003 में वो इंडिया से यूके में आए थे और यहाँ के उन्होंने असाइलम क्लेम कर लिया था। बलदेव की असाइलम एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई थी और उनकी अपील भी डिसमिस हो गई थी। तो बलदेव कहते हैं कि 2006 में जब होम ऑफिस ने लेगेसी का प्रोग्राम शुरू किया तो उन्होंने 2007 में होम ऑफिस को ये रिक्वेस्ट की थी कि वो उनके केस को लेगेसी के प्रोग्राम के तहत रिव्यू करें, उनको रिकन्सिडर करें। तो ये कहते हैं कि 2007 से लेके अब तक उनका मैटर पेंडिंग रहा है, लेकिन लास्ट ईयर होम ऑफिस ने उनके एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दी, उनका मैटर रिफ्यूज़ कर दिया और उनको लेटर लिखा कि उनको यहाँ रहने की कोई ग्राउंड नहीं है। तो बलदेव कहते हैं कि फिर इस मैटर को उन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया और हाई कोर्ट में जाने का ये रिजल्ट निकला कि अल्टीमेटली होम ऑफिस इस चीज़ पर एग्री हो गया कि उनको लीव ग्रांट करेगा। और फिर उन्होंने इस बात पर वो कहते हैं कि उन्होंने जुडिशियल रिव्यू विड्रॉ कर लिया क्योंकि उनके सोलिसिटर ने उनको यही एडवाइस दी थी और फिर अब होम ऑफिस ने उनको 2.5 ईयर्स की लीव ग्रांट की है। तो बलदेव ये पूछना चाहते हैं कि उनको तो इनडेफिनेट लीव मिलनी चाहिए थी, तो 2.5 ईयर्स की लीव ज़ाहिर उनको नहीं मिलनी चाहिए थी। तो वो भी ये पूछना चाहते हैं कि वो इस मैटर को फर्दर कहाँ चैलेंज कर सकते हैं ताकि होम ऑफिस अपना डिसीजन चेंज करने पर मजबूर हो जाए और उनको इनडेफिनेट लीव ग्रांट करे। तो बलदेव जैसे से पहले मैंने गुप्ता से भी बात की, उन्होंने तो एप्लीकेशन डाली थी इनडेफिनेट लीव के लिए लेकिन होम ऑफिस ने उनको लिमिटेड लीव दी चूँकि उसके लिए क्वालिफाई करते थे। लेकिन आपने तो कभी कोई एप्लीकेशन सबमिट ही नहीं की है। तो मैं आप सब नाज़रीन को ये बताऊँ बलदेव की वजाहत से कि जिन लोगों ने होम ऑफिस को ये रिक्वेस्ट की थी कि वो लेगेसी प्रोग्राम के तहत उनके केस को रिव्यू करें, वो लेगेसी का प्रोग्राम तो अब ख़त्म हो गया है, अब तो वो फर्दर नहीं चल रहा। लेकिन जिन लोगों ने पहले होम ऑफिस में ऐसी रिक्वेस्ट की थी तो आपने कोई एप्लीकेशन तो प्रॉपर डाली ही नहीं होम ऑफिस में, ना तो इनडेफिनेट लीव के लिए और ना ही लिमिटेड लीव के लिए। तो इस वजह से आपको की तो ये एक्सपेक्टेशन होनी ही नहीं चाहिए कि आपको इनडेफिनेट लीव मिलेगी। आपने तो होम ऑफिस को ये रिक्वेस्ट की थी या होम ऑफिस की अपनी पॉलिसी भी थी कि वो अनरिजॉल्व केसेस को रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद ये होम ऑफिस के डिस्क्रिप्शन है कि वो उसको एक्सेप्ट करे या उसको रिफ्यूज़ करे। लेकिन अगर किसी केस को उन्होंने रिफ्यूज़ किया और आप मैटर फर्दर ले गए और उस पर होम ऑफिस ने आपको लीव ग्रांट कर दिया है तो ये मैक्सिमम चीज़ है जो कि आप ले चुके हैं। आप अगर किसी भी कोर्ट में जाते हैं तो ये आपके लिए प्रूव करना पॉसिबल नहीं होगा कि आपको आपने इंडेफिनेट लीव के लिए अप्लाई किया क्योंकि आपने कभी कोई एप्लीकेशन नहीं डाली। लेगेसी होम ऑफिस की अपनी पॉलिसी थी जिसमें वो केसेस को रिव्यू करते थे, तो उसमें आप अपनी प्रेजेंटेशन तो भेज सकते हैं लेकिन इंडेफिनेट लीव के लिए तो आपने कभी अप्लाई नहीं किया। तो जब आपने कभी अप्लाई नहीं किया एक चीज़ के लिए तो फिर आपको उस चीज़ के मिलने का चांस नहीं आए। ये होम ऑफिस की डिस्क्रिशन थी कि वो केस रिव्यू करके किसको किस तरह की लीव ग्रांट करते। शुरू में इंडेफिनेटली भी बहुत सारे लोगों को मिला है और अब लिमिटेडली भी कुछ लोगों को मिली है, लेकिन ये एब्सोल्युटली होम ऑफिस के डिस्क्रिशन है। अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं सबमिट करेंगे तो बिल्कुल आपकी ये एक्सपेक्टेशन नहीं हो सकती कि आपको इंडेफिनेटली मिलेगी। तो उम्मीद है कि आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो नाजरीन अब एक ब्रेक का टाइम हुआ चाहता है, ब्रेक के फौरन बाद हम फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में, आप हमारे साथ ही रहिएगा। शो नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किसको इंडेफिनेटली मिलनी चाहिए और किसको नहीं, तो वो तो मामला आपका क्लियर हो गया है। तो अब हम बात करते हैं मिसेस खानम के साथ। खानम कहती हैं कि वो 10 साल पहले यूके में आई थी और एक बच्चे के साथ वो यूके में आई थी और फिर उनका दूसरा बच्चा यूके में बॉर्न हुआ है। तो ये कहते हैं कि जब अब उनके दोनों बच्चों की उम्र 7 साल से भी ज़्यादा है और वो ये कहती हैं कि जब जून 2012 में उन्होंने अप्लाई किया था अपना स्टे रेगुलराइज करने के लिए जून 2012 में, और उस वक्त उनके दोनों बच्चों की उम्र 7 साल थी जो कि अब तो ज़्यादा 7 साल से ज़्यादा हो गई है। तो खानम कहती हैं कि जून 2012 से लेके अब तक उनका केस पेंडिंग रहा है और अब होम ऑफिस ने उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दी है और उन रिफ्यूज़ल लेटर में लिखा हुआ है कि इनके डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लोकल इन्फोर्समेंट ऑफिस को भेज दिए हैं। और खानम ये कहती हैं कि उनके पास अपील का राइट नहीं है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है और वो ये पूछना चाहती हैं कि वो इस मामले में क्या कर सकती हैं। उनको ये बताया गया
कहा कि इस मामले को वो हाई कोर्ट में चैलेंज करें जुडिशल रिव्यू के जरिए, तो खानम का यही क्वेश्चन है कि उनको अगर वो हाई कोर्ट में जाती भी है तो उसमें कामयाबी का कितना चांस हो सकता है। खानम, आपने अगर आपके बच्चे को 7 साल हो गए थे और उनकी उम्र 7 साल या उससे ज़्यादा थी और उस वक्त आपने एप्लीकेशन सबमिट की, यानी 7 साल पूरे होने के बाद, और अगर आपने एप्लीकेशन जून 2012 में सबमिट की थी और होम ऑफिस ने अब अगर एप्लीकेशन रिफ्यूज़ की है, तो बिल्कुल मैं ये बताऊँगा कि कानूनी तौर पर यह डिसीजन गलत है। मैं आपको भी ये बताऊँ और आपके ज़रिए मैं सब नाज़रीन को भी ये बताऊँ कि अगर आपके बच्चे की उम्र दिसंबर 2012 से पहले, अगर आपके बच्चे की उम्र 7 साल थी और दिसंबर 2000 से पहले बच्चे की उम्र 7 साल होने के बाद आपने होम ऑफिस में एप्लीकेशन डाल दी थी, यानी उसमें कंडीशन ये है कि आपने एप्लीकेशन दिसंबर 2012 से पहले सबमिट की थी और उस वक्त आपके बच्चे की उम्र 7 साल हो चुकी थी, तो अगर होम ऑफिस ने वो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ की है उस वक्त या, तो ये डिसीजन यकीनी तौर पर सही नहीं है। और ख़ासतौर पर अगर आपने जून 2012 में एप्लीकेशन सबमिट की थी तो वो पूरा जून 2012 भी रहा 13 तक, और अब जाके अगर होम ऑफिस ने एप्लीकेशन रिफ्यूज़ किया तो यकीनी तौर पर यह डिसीजन कानूनी तौर पे गलत है। तो बिल्कुल आप इस मैटर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। आपको चाहिए आप फौरी तौर पे किसी अच्छे से सॉलिसिटर से मिलें और आपके केस में मैं बिल्कुल ही आपको बताऊं कि बिल्कुल ग्राउंड्स हैं लीगल पॉइंट पे आप इस मैटर को आगे ले जा सकते हैं और इस बारे में आपके सॉलिसिटर आपको फर्दर बता देंगे कि उसका प्रोसीजर क्या होगा। लेकिन अब सब नाज़रीन को यह ज़हन में रखना चाहिए कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन सबमिट की थी इस ग्राउंड पर कि आपके बच्चे की उम्र 7 साल हो चुकी थी, यूके में बच्चे ने 7 साल गुजार लिए थे और वो 7 साल गुजर चुके थे, ऐसा नहीं है कि उस वक्त 7 साल पूरे नहीं हुए थे, और ये एप्लीकेशन आपने दिसंबर 2012 से पहले सबमिट की थी और अगर वो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई है या रिफ्यूज़ हो चुकी है पहले, तो ये डिसीजन कानूनी तौर पे सही नहीं है। इस मैटर को फर्दर चैलेंज करने के चांसेस होते हैं, तो आप सब लोगों को इस बारे में फर्दर एडवाइस लेनी चाहिए ताकि आपको अगर आपके साथ कोई ज़्यादती हुई है तो उसका अजाला हो सके। खानम के बाद हम नारायण से बात करते हैं। नारायण केनियन सिटीज़न हैं, वो ये कहते हैं कि वो पिछले 5 साल से यूके में हैं, स्टूडेंट वीज़ा उनके पास है, एज ए स्टूडेंट वो यूके में हैं और वो यहाँ, उनको कहते हैं कि पहले उन्होंने बैचलर किया था और अब वो मास्टर्स कर रहे हैं। तो नारायण कहते हैं कि उनकी मदर हैं जिनकी उम्र 60 ईयर से ज़्यादा है और वो केनिया में हैं इस वक्त, वो ये कहते हैं कि उनकी मदर बिल्कुल अकेली है और उनके लुक आफ्टर करने वाला कोई भी नहीं है और वो अपनी मदर को यूके में बुलाना चाहते हैं अपने डिपेंडेंट के तौर पे। तो नारायण पूछना चाहते हैं कि क्या एज ए स्टूडेंट वो अपनी मदर को बुला सकते हैं और अगर वो बुला सकते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो नारायण, अनफॉर्चुनेटली आप अपनी मदर को एज ए डिपेंडेंट नहीं बुला सकते। स्टूडेंट्स या जो लिमिटेड लीव होल्डर्स हैं या कोई भी, अगर आप अपने डिपेंडेंट्स को बुलाना चाहें तो आप अपने वाइफ और जो माइनर बच्चे हैं उनको तो आप बुला सकते हैं सर्टन हालात में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप अपने पेरेंट्स को नहीं बुला सकते हैं। पेरेंट्स को आप उसी जरूरत में बुला सकते हैं जब आप यूके में सेटल हो चुके हों, आपके पास इंडेफिनेट लीव हो या ब्रिटिश सिटीजन हो या आप यूरोपियन सिटीजन हो, तो फिर तो आप अपने पेरेंट्स को या डिपेंडेंट रिलेटिव्स को बुला सकते हैं या डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स को बुला सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर अनफॉर्चुनेटली आप अपनी मदर को अपने डिपेंडेंट के तौर पे नहीं बुला सकते। हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है कि आपकी मदर आपको विजिट करने के लिए आएँ और यहाँ आपको विजिट करके वापस चले जाएँ, वो डिफरेंट पोजिशन है, लेकिन आपके डिपेंडेंट के तौर पर यूके में रहना उनके लिए फिलहाल पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि आपके पास लिमिटेड लीव है, आपके पास इंडेफिनेट लीव नहीं है और ना ही आप ब्रिटिश सिटीजन हैं। नारायण के बाद हम बात करते हैं तसद्दक के साथ। तसद्दक कहते हैं कि वो पाकिस्तानी सिटीज़न हैं और पिछले 4 साल से वो यूके में रह रहे हैं। वो ये कहते हैं कि उनके फादर 60s में यहाँ यूके में आए थे और वो ब्रिटिश सिटीज़न हैं। तो तसद्दक कहते हैं कि 1985 में वो पाकिस्तान में पैदा हुए थे और उस वक्त ज़ाहिर है उनके फादर ब्रिटिश सिटीज़न थे, तो वो ये कहते हैं कि फिर इस ग्राउंड पर उन्होंने ब्रिटिश हाई कमीशन इस्लामाबाद में एप्लीकेशन सबमिट की थी, राइट ऑफ अबाउट के लिए उनको एडवाइस यही किया गया था। तो ये कहते हैं कि उनको ब्रिटिश हाई कमीशन ने बहुत लंबी इंक्वायरी के बाद राइट ऑफ अबाउट इशू कर दिया था, उनको ऐसी स्टेटस मिल गया था और उसके बाद वो यूके में आ गए और अब वो यूके में रह रहे हैं और वो फुल टाइम काम कर रहे हैं। तो सदक कहते हैं कि कुछ अर्सा पहले उन्होंने ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था क्योंकि उनके फादर ब्रिटिश सिटीज़न थे जब ये पैदा हुए थे, तो इस ग्राउंड पर उन्होंने ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया। तो ये कहते हैं कि उनको तवक्को थी कि उनको पासपोर्ट आसानी से मिल जाएगा और फौरी तौर पर मिल जाएगा जैसे किसी भी ब्रिटिश सिटीज़न को मिलता है, लेकिन कहते हैं
हैं कि जो पासपोर्ट ऑफिस है उसमें वो उसने बहुत लंबा टाइम लगाया और 6 महीने तक उन्होंने मुतअद्दिद इंक्वायरियाँ की और फिर उन्होंने इनका और इनके फादर का इंटरव्यू भी लिया और सारे डॉक्यूमेंट्स भी देखने के बाद पासपोर्ट ऑफिस की ओपिनियन ये है कि इनके फादर की ब्रिटिश नेशनलिटी कुछ मशकूक है, तो वो ये सेटिस्फाई नहीं है कि इनके फादर की ब्रिटिश नेशनलिटी इनको सही तरीके से मिली है, तो ये कहते हैं इस ग्राउंड पे उन्होंने इनके पासपोर्ट की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दिया। तो वो ये पूछना चाहते हैं कि इस मैटर को वो किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं और ऐसा क्या तरीका हो सकता है कि वो ब्रिटिश पासपोर्ट ले सकें। तो तसद्दक आपका तो सवाल के अंदर ही आपका जवाब भी है, तो जैसे कि आपने देखा कि आपको राइट ऑफ अबॉर्ड इस ग्राउंड पे मिला था कि आपके फादर ब्रिटिश सिटीज़न हैं और ज़ाहिर है उस वक्त आपने जो एविडेंस सबमिट किया उससे आपने ब्रिटिश हाई कमीशन को सेटिस्फाई कर दिया था, लेकिन जब आपने ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया और फिर यूके के अंदर जब उसके बारे में इंक्वायरी हुई तो यहाँ चूँकि डायरेक्ट एक्सेस है सारे रिकॉर्ड तक, तो अगर पासपोर्ट ऑफिस सेटिस्फाई नहीं है कि आपके फादर ब्रिटिश सिटीज़न हैं या उनको ब्रिटिश नेशनलिटी सही तरीके से मिली है या कहीं कहीं ना कहीं को क्वेश्चन मार्क है, तो फिर यकीनी तौर के आपके फादर की अपनी नेशनलिटी अंडर क्वेश्चन है, तो अगर उनकी अपनी नेशनलिटी अंडर क्वेश्चन है तो यकीनी तौर पे फिर आपका स्टेटस भी पे भी क्वेश्चन मार्क आता है, तो ऐसी सूरत में तो आपको ब्रिटिश पासपोर्ट मिलने का चांस नहीं है। जब तक आपके फादर का मसला सॉर्ट आउट नहीं हो जाए, जब तक ये प्रूव ना हो जाए कि वो ब्रिटिश सिटीज़न है और उन्होंने लिजिटिमेट तरीके से ब्रिटिश नेशनलिटी ली थी, वो नेचुरलाइज या रजिस्टर्ड हुए थे एज ए ब्रिटिश सिटीज़न, तो उस वक्त तक यकीनी तौर पर आपको ब्रिटिश पासपोर्ट मिलना पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप इस बारे में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ किसी भी अच्छे से सोलिसिटर से अपॉइंटमेंट लेके आप उनसे मिलें, उनके साथ आप मैटर इन डिटेल डिस्कस करें, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके और आपके फादर के डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद आपको कोई अच्छी ओपिनियन देखने की पोजीशन में होंगे। लेकिन ओवरऑल मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप या किसी भी शख्स को अगर पेरेंट्स की ग्राउंड पर अगर आप ब्रिटिश नेशनलिटी क्लेम करते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये प्रूव करना होगा कि आपके वो पेरेंट का वो आपके फादर हैं या आपकी मदर हैं वो सही ब्रिटिश सिटीज़न हैं और उनको सही और जायज़ और कानूनी तरीके से ब्रिटिश नेशनलिटी मिली है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि उनकी नेशनलिटी सही नहीं है या उनकी नेशनलिटी मशकूक है, या अगर ये हो कि उन्होंने सही या लिजिटिमेट तरीके से नेशनलिटी नहीं ली, तो यकीनी तौर पे फिर आपको वो स्टेटस नहीं मिल सकता। तो इस बारे में आपको यकीनी तौर पे किसी भी सोलिसिटर से मिलकर फर्दर एडवाइस ले लेनी चाहिए ताकि आपका मसला आसानी के साथ हल हो सके और मज़ीद पेचीदगियों से बच सके। तसद्दुक के बाद हम बात करते हैं शाहाना के साथ। शाहाना कहती हैं कि वो 6 साल पहले यूके में आई थी और अब वो ब्रिटिश सिटीज़न हैं। तो शाहाना कहती हैं कि उनका सवाल थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन वो ये कहती हैं कि वो यूके में जब आई थी तो उनका कोई डिफरेंट नाम था, वो डिफरेंट डिटेल्स पे यूके में आई थी, यानी उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ कुछ और था, और फिर वो कहती हैं कि उन्होंने ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया और ये नेशनलिटी उन्होंने डिफरेंट डिटेल्स से ली है, यानी जो ब्रिटिश उनको नेचुरलाइजेशन का सर्टिफिकेट इशू हुआ उस पर उनका नाम और डेटा पर डिफरेंट है, तो अब वो ब्रिटिश पासपोर्ट उनके पास है। और वो कहती हैं कि उनके पास नॉर्मली हर वो चीज़ है जो कि किसी भी ब्रिटिश सिटीजन के पास होती है। तो ये कहती हैं कि अब उनको होम ऑफिस की तरफ से एक नोटिस मिला है जिसमें उनको उन्होंने ये कहा है कि वो इनकी ब्रिटिश नेशनलिटी को कैंसिल करना चाहते हैं चूँकि इन्होंने ब्रिटिश नेशनलिटी डिसेप्शन से ली है। तो वो ये पूछना चाहती हैं कि ऐसी सूरत में उनको क्या करना चाहिए और अगर इनकी नेशनलिटी कैंसिल हो जाए तो क्या इस डिसीजन के खिलाफ वो कहीं अपील कर सकती हैं। तो शाहाना आपका सवाल बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है क्योंकि समझ नहीं आई कि आप किसी दूसरे नाम से दूसरी डिटेल से अगर यूके में आई थी तो आपका ये नहीं पता है कि आपका कौन सा स्टेटस था, आप किस कैटेगरी में यूके में आई, और फिर ये नहीं क्लियर कि आपको ब्रिटिश नेशनलिटी कैसे मिल गई और फिर दूसरे नाम से कैसे मिली। लेकिन जब आपको ये होम ऑफिस की तरफ से नोटिस मिला है कि वो आपकी नेशनलिटी कैंसिल करना चाहते हैं तो इसका मतलब यही है कि आपने ब्रिटिश नेशनलिटी डिसेप्शन से ली है या आप ये एलिगेशन है कि आपने डिसेप्शन या फ्रॉड से नेशनलिटी ली है। तो ऐसी सूरत में बिल्कुल ये लॉ है, ये कानून मौजूद है कि अगर आप ब्रिटिश नेशनलिटी गलत तरीके से लेते हैं या फ्रॉड करके लेते हैं या डिसेप्शन से लेते हैं तो वो नेशनलिटी किसी वक्त भी कैंसिल हो सकती है। तो उसका प्रोसेस यही होता है कि नेशनलिटी फौरी तौर पर कैंसिल नहीं होगी बल्कि पहले आपको नोटिस दिया जाएगा और आपको सफाई का पूरा पूरा मौका दिया जाएगा। तो ऐसा आमतौर पर एक्सट्रीम हालात में होता है, आम हालात में होम ऑफिस नेशनलिटी कैंसिल नहीं करता जब तक कि उनके पास सफिशेंट इंफॉर्मेशन और सफिशेंट एविडेंस ना हो। तो लगता ऐसे ही है कि होम ऑफिस के पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जिससे पता चले उनको ये उनके नोटिस में ये बात आई है कि आपने नेशनलिटी सही तरीके से नहीं ली और इसी वजह से आपको ये लेटर मिला है। तो मैं आपको भी यही मशवरा दूंगा कि आप होम ऑफिस को कंप्रीहेंसिव रिप्लाई सबमिट करें। आप बिल्कुल उनको ये आपकी जिम्मेदारी और बर्डन अप्रूव आप पे है कि आप प्रूव करें कि आपने सही तरीके से नेशनलिटी ली और आपने किसी डिसेप्शन से काम नहीं लिया या आपने किसी तरह का वो फ्रॉड नहीं किया या आपने को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी, क्योंकि ये कानूनी ज़रूरत है कि आप गलत बयानी ना करें किसी भी सूरत में, ना तो किसी वर्बल स्टेट में और ना ही किसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सबमिट करते वक्त।
तो अगर ऐसी पोजीशन होगी तो फिर आप अपनी सफाई में कुछ कह सकती हैं, तो बेहतर यही होगा कि होम ऑफिस को कोई रिप्लाई सबमिट करने से पहले आप लीगल एडवाइस ले लें, क्योंकि आपके केस में कि आपकी ईमेल में को पूरी बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आप यही बेहतर यही होगा कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके अपने मुकामी तौर पर किसी भी अच्छे से सोलिसिटर से मिल लें और उनके साथ सारा मैटर डिस्कस कर लें, तो आपके केस के पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस को देख के तो आपको वो एडवाइस कर देंगे कि आपको फर्दर क्या करना चाहिए। लेकिन आप सबको याद रखना चाहिए कि अगर आप पे ये एलिगेशन हो कि आपने ब्रिटिश नेशनलिटी डिसेप्शन से ली है और आप होम ऑफिस को सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं देंगे तो आपकी बिल्कुल नेशनलिटी कैंसिल हो जाएगी, और अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है तो वो पासपोर्ट भी कैंसिल हो जाएगा और वो फिर पासपोर्ट आप यूज़ नहीं कर सकेंगे। खा वो बेशक आपके पास पासपोर्ट के जो बुक आपके पास मौजूद हो, लेकिन वो बिल्कुल उसकी पोजिशन ऐसी ही होती है जैसे कि कोई मुर्दा जिसम हो और उसमें रूह के बगैर हो, तो वो पासपोर्ट आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर आपको कोई नोटिस मिलता है होम ऑफिस से, तो आपको फ़ौरन इस बारे में लीगल एडवाइस लेनी चाहिए। तो नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। नेक्स्ट वीक हम फिर हाज़िर होंगे आपके बाकी मंदा सवालात को लेके। आप अपने और सब लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। गुड बाय।